देखा भी कि वहां पर एक ओवर राइट टाइम जो इनके शासन में जहां तक मेरी जानकारी है 2021 में बना है, और ये भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी कंपनी गुजराती कंपनी ही होगी, नाम नहीं आ रहा है, पर गुजराती कंपनी ही होगी उसने बनाया। और इसमें 3 लोग दब के मर गए, कई मकान फैल गए और कई लोग उसमें घायल हो गए। और उसमें भी अभी तो कोई गिरफ्तारी सर नहीं हुई, ये खाली खाना पूछी हुई है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा रामपथ अयोध्या, भगवान राम की नगरी जिसके नाम पर पूरा ये इन्होंने ठेका ले रखा है, वहां पर रामपथ बना देके पूरा रामपथ बैठ गया, थक गया। भगवान राम के मंदिर में भी जिसका इन्होंने अशुभ समय वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया, सर्विस किए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये चारों शंकराचार्य हमारे माननीय पूजनीय शंकराचार्य महोदय ने कहा, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं। उसमें इन्होंने वहां पर पूजा पाठ करके वो कार्य किया और वहां वो मंदिर भी चूरा। और ये बात किसे मैं नहीं कह रहा हूँ चूरा मंदिर, किसने कहा, वहां के मुख्य पुजारी आदरणीय सत्येंद्र दास जी ने ही वो आरोप लगाया कि वो मंदिर चूरा। और ये पूरी तरीके से वहां भी वो भी गुजरात की कंपनी है जिसने काम किया, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग। और जो सबसे महत्वपूर्ण इशू जो राहुल जी ने लोकसभा में वाले नेता ने बोला कि ये जो भाजपा आरएसएस और ये जो सभी लोग ये जो आज अपने आप को हिंदू बन रहे हैं वो आज ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यही नहीं है। आज हर जो आज जो सनातन व्यक्ति है जो आज धर्म में विश्वास करता है और कहीं जो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से हिंदू हिंसक नहीं होता, हम सब लोग सर्वधर्म भाव की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, जियो जीने दो विश्वास करते हैं। अब हम आप देखे होंगे गर्मियों के दिन में जहां भी चक्की चौराहे पर आप जाएंगे पीने के पानी की व्यवस्था, हौसला चलाना, प्याऊ चलाना, ये तमाम ऐसे मतलब एक साधारण आदमी इस तरह से करते भी, कोरोना काल आपने देखा सभी लोगों ने मिलकर काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो केवल और केवल जो बड़ी बात करके इन्होंने आज हमारे नेता को बदनाम करने का भी काम किया, तमाम छोटे छोटे वीडियोस काट के चलाए, पर जो उनकी जो मुख्य भाषण थे उसको लोकसभा अध्यक्ष ने हट स्पंद भी कराया, पर स्पंद कभी से नहीं होगा। हम राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की जनता के दिल में बैठ गए हैं, वहां से स्पंद कैसे कराओगे, वहां से स्पंद कराने का कोई रास्ता है क्या, वो रास्ता खत्म हो गया। राहुल गांधी हिंदुस्तान की जनता आम आवाज आम जनमानस की आवाज बन गए हैं। राहुल गांधी आम जनता को पसंद करती है और निश्चित तौर से जो उन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी कि आज जो बड़ी बात दिखाकर कि 400 पार 80 में 80 बनारस में 10 लाख पार करेंगे, बिकाने पार 5 लाख पार, हमने कहा आज वो मैदान में जिस पर अवकाश समझ में आ जाएगी 5 लाख पाओगे कि 5 लाख पार करोगे, पता चल गया घसीटते घसीटते और सारा कुकर्म करके 1.5 लाख की लीड करने में सारा का सारा पसीना फेंक सब कुछ कर डाले, सारे ऐसे से माफियाओं को तारा, सारे तंत्र का दुरुपयोग किया, उसके बाद पैसे बांटे, तमाम तरीके का प्रलोभन दिया, आखाट राज्यपाल घर घर घूमे, गलियों में घूमे, 15-15, 20-20 मंत्री घूमे, 100-100, 150 विधायक एमपी गलियों में घूम के वोट मांगे, गुजरात का व्यक्ति गुजराती मोहल्ले में जा रहा है, महाराष्ट्र का व्यक्ति महाराष्ट्र के मोहल्ले में जा रहा है, राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु कोई छोड़ा नहीं। उसके बाद भी काशी की महान जनता बाबा विश्वनाथ के भक्तों ने दिखा दिया कि अब यहाँ पर झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की बात नहीं चलेगी, हम धर्म की बात करते हैं। मैं बाबा विश्वनाथ के दरबार से आता हूँ, जो धर्म की बात करते हैं, सबसे बड़ा अगर कोई हिंदू विरोधी है तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, उसका उदाहरण आपके सामने मैं स्लाइड पर दिखाऊंगा। स्लाइड डाल करिए, इस तरीके से बाबा के दरबार में
बाबा इस्लाम के दरबार में कुछ नाम बांधे और तोड़ कर इन्होंने अच्छा ऑफिस तोड़ा, शनि भगवान का मंदिर तोड़ा, हमारे वहां पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तोड़ा, अयोध्या के लाल को लाइव बंद करके ये सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए इसको, प्रधानमंत्री बने और इन्होंने काशी में जाकर के विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना शुरू किया तो 150 मंदिरों को तोड़ दिया गया। उन मंदिरों में कई मंदिर पौराणिक थे जिनका पुराणों में उल्लेख था, बड़ी आस्था, कई मंदिर बहुत सारे हजार साल, 500 साल, 800 साल पुराने थे और उनमें पूजा अर्चना हो रही थी, बड़ी श्रद्धा थी लोगों की। तो इन्होंने वहां विस्तार करने के लिए और सुविधा बनाने के लिए सबको तोड़ करके और मलबे में फेंकना शुरू कर दिया। तमाम तरीके से सड़कों को बंद कर जो हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहा है, हिंदूवादी संगठन ने कभी इसकी बात कही? क्योंकि इन्हीं के पास, इन्हीं के द्वारा पोषित, इन्हीं के द्वारा पालने वाले लोग हैं। अच्छा वृक्ष जिस ट्रक पे लग रहा था उस गाड़ी का नंबर आपने देखा? फिर से चला दो, अच्छा वृक्ष वाला GJ1B2031 बनारस की गाड़ी पे लगेगा तो उसको खुल जाएगा, काशी के लोग विरोध करेंगे। तो गाड़ी भी गुजरात की है ताकि कोई बनारस का व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सके। आप देख सकते हैं आपके सामने ये हिंदू धर्म में ठेकेदार बने और तो नहीं, वो सब गुजरात के लोग, उन्होंने अलग अलग जगह से मंगाया था, सारी कंपनी गुजरात की, सारी गुजरात की कंपनियों ने सब कुछ किया और उसका ठेकेदार कौन था? श्रवण पटेल अहमदाबाद। उसके बड़े भाई ने साबरमती जो कॉरिडोर बना है गुजरात में अहमदाबाद में, उसके बड़े भाई ने साबरमती कॉरिडोर बनाया था जिसपे जिनपिंग को झूला झूला रहे थे मोदी जी, उसी के छोटे भाई को सारा काम दिया है श्रवण पटेल नाम का उसका। इससे तीन कंपनियां शामिल हुई थी, एक श्रवण पटेल अहमदाबाद, दूसरी बनारस इंडिया बनारस श्यामलाल सिंह, तीसरा टाटा की कंपनी जो टाटा के द्वारा संचालित होती है शाहजी पूरन जी वो कंपनी है, तीन कंपनियों को था और उसमें जानबूझकर पिट कम कराकर पिट कम दिलवाकर सरोज पटेल की अहमदाबाद की कंपनी को दिलवाया, इसलिए कि जो मंदिर टूटेंगे जो अच्छा वट वृक्ष काटा जाएगा वो बात आम जनता के बीच में नहीं जाएगी और ट्रक भी लादने वाला, ड्राइवर भी ला, जो गाड़ी चलाने वाला वो भी गुजरात से लेकर आया। आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने प्रमाण दिया। तो ये सबसे बड़ी हिंदू विरोधी कौन है? ये लोग, और ये हिंदू पर हमको सर्टिफिकेट देते हैं। निश्चित तौर से आज जो एक वातावरण बना है, चाहे वो नीट की परीक्षा का हो, राम मंदिर का हो, बाबा विश्वनाथ के दरबार, जहां भी आप देखेंगे हर जगह अब इतनी बड़ी घटना घटी आपस में, अभी तक वहां पर जो 2 लाख रुपए इन्होंने दिया, 2 लाख रुपए में आप सब लोग यहाँ सभी लोग हैं, 2 लाख रुपए में किसी मृतक की
बाद का काम खर्चा देगा, केंद्र सरकार 2 लाख देगी, 2 लाख ये देगी, कैसे खर्च चलेगा? अपनी बिटिया की शादी करने जाएगा, छोटी सी जगह देगा तो उसमें बेचारा वो खर्च में हो जाएगा, छोटा सा गाड़ी एक देगा तो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने के 1 लाख से ऊपर हो गए, जो 60,000 की गाड़ी हमारे सोच व्यक्ति थी कांग्रेस में वो 1 लाख से ऊपर हो गई। हम सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति चल रही, कितने असंवेदनशील लोग हैं। तो यही बात आप सबके बीच में मुझे रखनी थी और जो हम लोगों ने आप सबके बीच में रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद।